सीमांचल में हाईटेक मेडिकल कॉलेज का सपना जल्द पूरा होने वाला है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण आखिरी चरण में है, जिसको लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। पूर्णिया जिला के प्रभारी सचिव विनय कुमार पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लिया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने पूरे कैंपस का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से अस्पताल कैंपस में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली है। कार्य में तेजी से उन्होंने संतुष्टि का इजहार किया है। वहीं कॉलेज में फैकल्टी की कमी को सामान्य मामला बताया है, हालांकि आश्वासन दिया है कि इस मामले में सरकार प्रयास कर रही है और फैकल्टी की कमी को जल्द पूरा किया जाए। उधर एडमिशन प्रक्रिया के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। आप जानते हैं कि सरकार के सात निश्चय की योजना में इस ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शामिल है और बहुत ही तेज़ी से इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण काम चल रहा है और हम लोगों ने जो अभी कंस्ट्रक्शंस देखे हैं डिफरेंट फेजेस के और बताया गया जैसा कि एक साल में ही पूरा हो जाएगा। तो इस इलाके में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का एक जो बहुत बड़ा पहले लोगों का सपना था वो पूरा होगा और पूर्णिया शहर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिटिकल केयर के हिसाब से, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अगल बगल के कई ज़िलों को और यहाँ तक कि ट्रांस बॉर्डर नेपाल से भी पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगात होगी ट्रॉमा केयर से लेके क्रिटिकल केयर से लेके। और मुझे लगता है कि जब मेडिकल कॉलेज होगा तो सुपर स्पेशलिटीज़ के भी ये फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होगी और लोगों को फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी और बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। ये स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन है, आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज अन्य कंस्ट्रक्शन से थोड़ा अलग है जी जी, और जो कंपनी बना रही है वो डिस्ट्रिक्ट कंपनी है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं इसके निर्माण कार्य से इस ज़िले के लोगों को बहुत सुविधा होगी। सर फैकल्टी की काफ़ी कमी है यहाँ पे, हाँ उस पर एडमिशन का एक पहला निरीक्षण हुआ है जैसा कि सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया और उसमें जो जो उन्होंने गैप्स बताए हैं उस गैप्स को सरकार भर देगी। फैकल्टीज़ की कमी एक जनरल इशू है और सरकार के स्तर पर पूरा प्रयास हो रहा है कि सभी मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टीज़ होने चाहिए जिस योग्यता के वो आ जाएं और उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो आप लोगों को यकीन रखना चाहिए कि जब हॉस्पिटल बने हैं तो उसमें फैकल्टीज़ की पूरी व्यवस्था होगी और साथ ही जो भी इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसकी भी। तो सर ये उम्मीद किया जाए कि नए वर्ष में जो मेडिकल के छात्र हैं उनका यहाँ पर एडमिशन होना शुरू हो जाए। देखिए सरकार तो कोशिश यही कर रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ मेडिकल कोर्स, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ही हम लोग बना रहे हैं, MCI का पहला निरीक्षण भी हो गया, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी कि अगले सेशन से इसमें, लेकिन कंस्ट्रक्शन में अभी इसमें समय लगेगा करीब एक साल, उसके बाद ही यहाँ पर कोर्सेज आने।